अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट विकी बाबू। सॉरी यार, मैं उतार लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। अच्छा, आज वीडियो बनाने का एक मकसद है मेरा। वीडियो किस लिए बनाई जा रही है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ईद वाले दिन मेरी एक वीडियो आएगी जिस पे मैं बताऊंगा रहू और नारायण के लिए मिक्स बाइट कौन सी है। पहले तो मैं सोच रहा था कि जब मैं शिकार पे जाऊँ और शिकार जब स्टार्ट होगा उसी वक्त आपके सामने मैं चारा लूं और आपके सामने वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि पंजाब वाली साइड पे शिकार स्टार्ट हो गया हुआ है, रोहू अच्छे साइज़ का लगना शुरू हो गया दरिया पे, तो जो मेरे व्यूवर्स हैं जो पंजाब वाली साइड से मुझे फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि वो उनके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चली जाए और वो जो शौक रखते हैं और उन्हें चारे नहीं पता रोहू के लिए कौन से चारे यूज़ होने हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था। और क्वांटिटी अभी मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ कि कौन सी क्वांटिटी आप डालोगे तो आपको रोहू की बाइट मिलेगी, और जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर मैं बताऊँगा कि एक ही चारे को आप तीन टाइम कैसे यूज़ कर सकते हो, तीन जगह पर कैसे यूज़ कर सकते हो। एक ही दफ़ा यानी एक चारा आपने बनाया उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वांटिटी करके उसमें कुछ और चीज़ें डाल के तो एक ही आटे को आप तीन दफ़ा कैसे यूज़ कर सकते हो, यानी तीन चारे में यूज़ कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, ये बेसिक चीज़ होगी। लेकिन आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि चारा कौन सा है। मिक्स बाइट है, ये मेरी बहुत फेवरेट बाइट है मेरी, रोहू के लिए मैं खेलता हूँ। इसमें जो आइटम डलेंगे वो मैं एंड में बताता हूँ आपको, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो पहले तो मेरी कोशिश थी कि मैं बता दूं उधर जाके, जब मैं किनारे पे बैठा हूँ फिर वीडियो बनाऊं आपके लिए स्पेशल। फिर जब उधर आदमी जाता, थोड़ा सा लास्ट टाइम जब मेरे पास मिसअप हो गया हमारे साथ कि दोस्त का बाइक पंचर हो गया, फिर हम उधर लेट पहुँचे पॉइंट पर, तो पॉइंट ढूँढने में क्योंकि पॉइंट कुछ रावल डैम में चंद एक चल रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर हर एक के आगे काई है, काई की वजह से गेम डिस्टर्ब हुई हुई है। लेकिन बनी गाला, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, बनी गाला वाली साइड, ज्यारत वाली साइड, ये पूरी पगडंडी तकरीबन चलना शुरू हो गई है, बल्कि इधर कोने वाला साइड जो है ज्यारत से आप जब ज्यारत की तरफ आपका रुख हो, फेस ज्यारत की तरफ हो, उल्टे हाथ पे आप जाओगे कोने पे एक पॉइंट बनता है, वो बहुत अच्छा चला है क्योंकि उसके सामने एक बेड सा बनता है, रेत का बेड बनता है, तकरीबन मैदानी सा बेड बनता है, मैदान है उसके आगे, वो वहाँ पर गेम अच्छी हुई है। वहाँ पे जो लगा है संगाड़ा लगा है और रोहू के पीस लगे हैं, लेकिन साइज़ छोटा लगा है। लेकिन जब गेम होगी इधर पुश्ते वाली साइड पे तो साइज़ बहुत अच्छा लगेगा। अभी क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग की वजह से मछली उस तरह बाइट नहीं उठा रही, जब वो वहाँ से फ्री हो जाएगी अपनी मीटिंग वगैरह करने के बाद, अंडे लेइंग करने के बाद दोबारा दूर जाएगी तो फिर वो लगना भी शुरू हो जाएगी रावल डैम की। ये अपडेट है क्योंकि जब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है, ख़ासकर फीमेल, क्योंकि मेल प्रोटेक्शन कर रहा होता है फीमेल की, और फीमेल जो है वो चारा नहीं खाती, और क्योंकि गार्ड बना होता है मेल, तो इस वजह से वो उसको वो भी चारा कम कर देता है, खाना पीना इनका, यानी कि 80% चारा कम हो जाता है, 20% भी वो आ जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आज के दिन, और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि जब हम तरबेला भी जाएं तो उस साइड के आपको बताएं कि कौन कौन सा, क्या कहते हैं उसे, रास्ता था, कौन कौन से रास्ते यूज़ हो सकते हैं तरबेला जाने के लिए, और वहाँ पे कौन कौन से चारे और क्या तरीक़ाकार होता है वहाँ पे चारा यूज़ करने का। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, और आपने जो मैंने बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ, टोटल बेसिक बता चुका हूँ, गुलफाम की बाइट जो है उसकी टोटल जो मुझे जिस पे गेम होती है सीजनल या आउट ऑफ सीज़न, मैं एक चार तीन नंबर जो चारा बताया वो दोनों सीज़न चलता है, गर्मी में भी चलता है सर्दी में भी, उसी से आप बेसिक सीख चुके हुए हो, वो है बेसिक। अब मैंने बेसिक आपको बता दिया कि रोहू कौन सी बाइट पसंद करता है, गुलफाम कौन सी बाइट पसंद करता है, नारायण कौन सी, अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये वो वीडियो उनके लिए बन रही है जो अभी नए हैं इस फील्ड में और चारों के बारे में नहीं समझते, तो इसलिए कोशिश आप ये करें कि अपना चारा खुद से तैयार करो। मैं बता रहा हूँ आपको, गाइड करता हूँ, लेकिन जब आप बेसिक सीख जाओ कि मछली को कौन सी पसंद है चीज़, तो आप उससे अपना चारा खुद से तैयार करो। वो अक्सर मेरे उस्ताद जी कहते हैं या मैं खुद भी कहता हूँ ये कि यार ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना,
आप अपनी से बायोटे तैयार करो, ना कि ये लोग कहें कि यार ये उसकी बायोटे तैयार कर रहा है और उसका यूज़ कर रहा है, बल्कि आप अपने से अपनी बायोटे तैयार करो। ठीक है, बेसिक बता चुका हूँ मैं आपको। आप बराऊ है, ये देसी आटे को भी लाइक करता है, मकई को भी लाइक करता है, चार नंबर फीड को भी। इसमें आप अदरक वो डाल देते हो, अदरक कह रहा हूँ, लहसुन डालते हो, उसको भी पसंद करता है। हल्का सा मीठा, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, जैसे गुलफाम बहुत ज़्यादा तेज़ मीठे को पसंद करता है, उस तरह नहीं ये पसंद करता, हल्का सा। और जो नारायण है ये सूजी को पसंद करती है, ब्राउन करके डालो अपने चारे में, वाइट कलर का आटा बनाओ, मैदे को पसंद करती है, और क्या नाम है, मकई को भी करती है, देसी आटे को भी करती है। सूढ़ी चोखर ये भी डाला जाए तो तब भी नारायण लगना शुरू हो जाती है, लेकिन मीठे की क्वांटिटी कम कर देते हैं। अब ये तीन स्टेप में मैं बता रहा हूँ आपको, गुलफाम तेज़ मीठा पसंद करता है, रऊ उससे कम, और जो नारायण ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा मीठा। ये बेसिक चीज़ें आपको मैं बता दी हैं, और आटे कौन कौन से हैं ये भी मैं बता चुका हूँ अपने न्यू जो एंग्लर्स हैं उनके लिए। हमने तो ख्वारी की है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे आने वाले व्यूवर्स हैं इन्हें इतनी ख्वारी ना हो। जो मैंने आटे बताए हैं आप उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें गुलफाम के लिए भी, और उन्हीं में थोड़ा सा अप एंड डाउन करें। जो मैं तीन नंबर चारा बता चुका हूँ मिक्स बाइट गुलफाम की, उसमें आप थोड़ी सी सूढ़ी, थोड़ा सा चोकर ऐड करो, और लहसुन डालो वो उसका पेस्ट, उनको मिक्स करके आप भी खेलो, आपको रोग भी लगना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, आपने इसी से अपनी बाइटें खुद तैयार करनी है। ठीक है, तो बकाया बाद लोग कमेंट्स भी करते हैं मेरी वीडियोस पे, और मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं हर एक को रिप्लाई दूँ जो वो कमेंट्स कर रहे हैं। अभी लास्ट किसी ने कमेंट्स किए जी आप किसी अच्छे उस्ताद जी की निगरानी में चारा तैयार करो, तो उस्ताद जी हमारे खुदावंद उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ हमें बताते हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए, कब मौसम स्टार्ट होगा। अभी उन्होंने मुझे मना किया था कि विक्की अभी नहीं जाना जब जुमेरात के दिन, क्योंकि जब मैं चारा तैयार कर रहा था उनकी कॉल आई थी, बल्कि वीडियो में भी नंबर भी उनका शो हुआ है, कि विक्की अभी ना जाना क्योंकि गेम नहीं उस तरह की स्टार्ट हुई हुई, आगे जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा है, ख्वारी होगी तुम्हें, तो ना जाओ अभी। मैंने कहा उस्ताद जी अब तो मैंने छुट्टी ले ली हुई, अर्जेंट छुट्टी ली है दफ्तर से, अब ये ज़ाया हो जाएगी, इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है, किस्मत आजमा लो, चारा भी तैयार कर ली हुआ तुमने और तैयारी भी है, छुट्टी भी ले ली हुई है, तो चलो अब किस्मत आजमाओ। तो कहने का मतलब ये है कि उस्ताद जी का पीछे हाथ होता है तो तब भी इंसान काबिल बनता है, अगर ना हो उस्ताद जी तो फिर समझे ख्वारी हुई है। लेकिन आपके लिए चैनल बना दिया गया, ये यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी हुई है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप यहाँ से सीख सकते हो, उसमें कुछ हेयर फेयर करते हो। जैसे अब हमने उस्ताद जी ये नहीं कि नहीं बताते, लेकिन कोशिश यही होती है कि यार उनसे ना पूछा जाए, थोड़ी सी अपने से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए, गूगल सर्च कर लिया जाए या कुछ और चीज़ ऐसा, हर बार जब फंस जाता है आदमी फिर उस्ताद जी के पास जाए कि उस्ताद जी ये चीज़ समझ नहीं आ रही हमें, बताओ क्या करना चाहिए। तो अगर उस चीज़ों पर रिज़ल्ट आता है तो खुदा का शुक्र है कि आज तक मैंने आटे कभी भी नहीं उस्ताद जी से पूछे कि उस्ताद जी मुझे आटे बताओ कौन सी मछली के लिए कौन सा आटा है, क्योंकि हर चीज़ टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी आप गूगल सर्च कर सकते हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करो, कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल करो कि यार इन चीज़ों में मैं ऐसे करूँ तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ऐसे करूँ तो क्या रिज़ल्ट आएगा। जैसे आप फर्ज़ करो मेरे पास रावल डैम करीब मुझे पड़ता है, मैं ज़्यादा वहाँ पर वीडियो देखा होगा आपने, मैं वहाँ पर बनाता हूँ। जब ये ओपन था 7 दिन के लिए ना, तो तकरीबन मैं एक वीक में 2 दफ़ा लाजमी जाता था, वहाँ से मैंने अपनी बाइटें सीखी हैं। कभी एक आटा बनाया, फर्ज़ करो मैंने पीली मकई पहली दफ़ा 2 चम्मच डाली है किसी आटे में, तो दूसरी दफ़ा मैंने उसे कम करके देखा रिज़ल्ट के यार इसका क्या आया था, तो इस वक्त मुझे क्या बाइट मिली थी। तो आप इस तरह कोई पानी आपके करीब है तो आप उस पर डेली जाओ, आटों में हेर फेर करो, क्वान्टिटी कभी बढ़ा दो कभी कम करो, उस पर लिखो एक पेज पर कि यार मैंने ये वाला क्वांटिटी बनाई है आज देखो इस पर क्या, और उस पर डेट भी मेंशन करो कि यार ये डेट को मैंने ये वाला आटा इतनी क्वांटिटी में बनाया था तो मुझे ये वाली बाइट मिली थी। हाँ बाइट मिली थी या नहीं मिली थी ये भी लिखना है साथ, कि चाल हो रही थी, अच्छी चाल हो रही थी, नहीं अच्छी हो रही थी। जब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि चाल हो रही थी तो उससे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यार हाँ चाल मिली थी तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा तेज़ करता हूँ। जब एक बाइट अगर मिल जाती है तो फिर आपको ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा, अच्छा ही मुझे इस चीज़ की बाइट मिली है, गुलफाम की मिली है तो मुझे पता चल गया कि यार मैंने ये चीज़ क्वांटिटी बढ़ाई है तो मुझे गुलफाम की बाइट मिली है, तो मुझे मिली है, यानी कि गुलफाम इस चीज़ को पसंद कर रहा है।
अगर आप रव की मिल जाती है बाहर तो आप उसको लिख लेते हो, नोट किया होगा तो आपको पता चलेगा हाँ ये चीज़ मैंने नोट की हुई थी और मुझे पता चला है कि इस चीज़ को वो ज़्यादा लाइक करा है। जैसे मैंने बताया कि हर मछली अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक अपना बिहेवियर चेंज करती रहती है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि गुलफाम जो मछली है इसका बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, ग्रह का और नारायण का भी। जब शिकारी एक ही आटे बार बार पानी में फेंक रहे हैं तो उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, वो उस चीज़ को लाइक करना शुरू। जैसे ही आप एक चीज़ को पॉइंट को चलाना चाह रहे हो डेली, वहाँ पर वही आटा यूज़ करते रहो, वही करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वही आटा रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मछली उस चीज़ की आदी होना शुरू हो जाएगी और वो आपकी बाइट को उठाना शुरू हो जाएगी। और कभी भी ये मेरी याद रखना बात, कभी भी एक दफ़ा में आटा यूज़ करने से रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे अब मैं खेल गया हूँ जुमेरात को, क्योंकि आगे इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं था, टेम्परेचर उस तरह का नहीं था और आगे जड़ी बूटी थी जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा था, चाल नहीं मिल रही थी, हल्की हल्की फुल्की चाल मिल रही थी, वो बच्चा शायद झाड़ियों में था वही छेड़ रहा था उसे। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि यार भाई ने चारा बताया गेम ही नहीं हो रही, उसे कम से कम आपने 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें, फिर उसके बाद पहली दफ़ा भी रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आपकी किस्मत और टेम्परेचर और हर चीज़ इन्वायरमेंट एक जैसा है तो फिर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो के एंड पे मैं उस चारे की तस्वीर भी लगा दूँगा जो मैं बता रहा हूँ गुलफाम उसके लिए, रोह के लिए और नारायण के लिए, और क्वान्टिटी भी बता दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। आपने वहाँ से डिस्क्रिप्शन से ले कर क्वान्टिटी तो आटा तैयार करना है और उसे इस्तेमाल करना है, और साथ बताऊंगा लहसुन उसमें देसी लहसुन डालना है आपने थोड़ा सा, ठीक है। जब मैं सॉरी दोस्त आ गया था उसने हाय हेलो किया सलाम किया तो अच्छा, जब आप वीडियो बनाऊंगा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे आटा तैयार करना है, उसमें बताऊँगा कि एक ही आटे को आप 3 तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आपका होस्ट विकी बाबू अपने चैनल के ज़रिए आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ जो मेरे नए हैं, और कोशिश करेंगे जो और भी हैं जिनको शौक़ है उनके साथ मेरा चैनल शेयर करें, उन्हें बताएं कि यार इस चैनल के थ्रू आप कुछ अच्छा सीखोगे। फिर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि ग्रास किस तरीके से लग सकता है सीज़न में, जो जड़ी बूटी है उसको खुशक करना है, ड्राई करना है, और ड्राई करने का तरीका भी है मैं वीडियो में बताना भूल गया। जैसे एक छाऊँ है कमरा है आपका, स्टोर है, स्टोर में वो बूटी ले आओ, आप धूप में नहीं सुखाना उसे, उस स्टोर में रख दोगे, लेट थोड़ा सूखेगी वो, ड्राई लेट होगी लेकिन वो ग्रीन अपना जो कलर है ग्रीन वो गायब नहीं करेगी, बल्कि ड्राई हो जाएगी हल्का धूप के बगैर। जब उसे वैसे ड्राई करोगे तो वो अच्छी उसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी और वो जान सा उसमें रहेगी, उसमें कुछ मटीरियल बाकी रह जाएंगी, खुशबू वगैरह हो गई, उसकी ताकत जो है जो वो ग्रास खाता है। तो पहले भी बता चुका हूँ ग्रास फिश जो है वो सब्ज़ी को ज़्यादा पसंद करता है, घास वगैरह जड़ी बूटियाँ हो गई इन चीज़ों से। तो जब आप ऐसे ड्राई करके अपने चारे में उस पौधे को इस्तेमाल करोगे जड़ी बूटी को तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा उस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको जो नई इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरे चैनल के थ्रू वो मिलती रहे। आपका होस्ट विकी बाबू, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़। जी व्यूवर्स, ये आटे हैं वो, इसमें सफ़ेद मकई 1 कप, 1.5 कप आपने देसी आटा लेना है, 1 कप 4 नंबर फीड, 1 कप आप आधा कप लेना है सूरी, आधा कप चोकर, और आधा कप आपने ले लेना है चीनी का या शक्कर का, ठीक हो गया। इन सब आइटम को मिक्स करके आपने चावलों में बनाना है और 2 हिस्से का लेना है, 1 में मीठा कम रखना है और जिसमें मीठा कम रखना है उसे उसमें आपने देसी लहसुन कूट के डालना है, 4 से 5 दाने उसके डाल लेने हैं, अगर क्वांटिटी ज़्यादा बन जाती है तो फिर उसे ज़्यादा रखना है। और जिसमें लहसुन डालेंगे उसे आपने किसी शापर में बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, फिर उसके बाद उसे यूज़ करना है, ठीक हो गया। पेड़ा लगाओ या गोलियां लगाओ, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।